झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल होने के बाद फिर एक बार झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है और कल से लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जो है शुरू हो गया है। एक बजे तक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ रहा और आइए हम जानते हैं इसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है। देखिए, वीडियो की सत्यता पर प्रश्न खड़ा होता है। पहले वीडियो की प्रामाणिकता पर जांच हो, और हमें लगता है कि जिस प्रकार कोरोना काल में मंत्री ने जीवन और जीविका की रक्षा के लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया, उसका परिणाम यह था कि विपक्ष के द्वारा लगातार स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर हमला किए जा रहे थे, कभी घपले का, कभी घोटाले का, कभी अन्य कारणों का। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे को या उनके कार्य को बदनाम करने का यह एक षड्यंत्र भी हो सकता है। माननीय मंत्री ने भी कल जमशेदपुर में FIR दर्ज करवाई है, पहले सत्यता की जांच हो जाए फिर आगे देखा जाएगा। देखिए, छवि कांग्रेस की खराब नहीं हो रही, आप लाख एडिट करके कांग्रेस के छवि को बर्बाद करने का प्रयास करो, लेकिन छवि भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई है। हथरस में जो घटना घटी कि कैसे भाजपा के विधायक के द्वारा बलात्कार किया गया और बेटियों को जिंदा जला दिया गया, उनके माँ बाप को भी उस लाश को सुपुर्द नहीं किया गया, तो छवि उनकी खराब होती है। आप हमारे ऊपर लाख इल्जाम लगा लो, एडिट कर लो, छवि खराब नहीं होगी, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और समझती है। झाबू ने कहा है कि हनी ट्रैप का शिकार हो गए ऐसा लगता है मंत्री जी, और अगर नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी महानता होगी। नहीं, किसने क्या कहा ये मैं नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मंत्री के चेहरे को और उनके किए गए कार्यों को बदनाम करने का विपक्ष की एक सोची समझी राजनीति है।